सीधी शक्ति ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे वर्ण विचार, उसके बाद में हमने संधि प्रारंभ की। संधि की शुरुआती परिभाषा थी उसके बारे में पढ़ा था, सवर संधि से शुरू किया था सवर संधि के बारे में। अब सवर संधि के भागों के बारे में पढ़ेंगे। सवर संधि के कौन कौन से भाग थे वो हमने कल 8 प्रकार के बारे में पढ़ा था कल के दिन। अब देखो सवर संधि के जो 8 प्रकार है, तो मैं सवर संधि के सबसे पहले देखो सवर संधि। सवर संधि में क्या हो परिभाषा थी, सवर के बाद में क्या आएगा सवर आएगा, और सवर है कितने 13। मैं यहाँ पर वही सवर लिख रहा हूँ जो कल बताए थे, ए आ ई ई ऊ ऊ री 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 ए आई ओ औ, ये 13 सवर है। अब इन सवरों के आधार पर हमने पहला भाग लिखा था कल सवर संधि का, दीर्घ सवर संधि। तो पहला है दीर्घ सवर संधि। दीर्घ सवर संधि में क्या परिभाषा थी, पहला जो हमने सवरों को 3 भागों में बांटा था, तो पहला भाग था ए और आ वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और आ, ए कौन सा है हस्व सवर, आ कौन सा है दीर्घ सवर, अर्थात हस्व या दीर्घ सवर के बाद में भी हस्व या दीर्घ सवर आए तो, हस्व या दीर्घ सवर के बाद में भी हस्व या दीर्घ सवर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ सवर हो जाता है, दीर्घ सवर हो जाता है। कौन सी संधि है ये, दीर्घ संधि है। अब योजक के रूप में जो हमने कल देखा था हस्वे और दीर्घ ए आ ई ई ऊ ऊ री री, तो ये से वर्णीय वर्ग भी सवर भी बोला जाता है, ये दोनों से वर्णीय वर्ण है, से वर्णीय यानी एक ही वर्ण है, ये हस्व ए है ये दीर्घ ए है। तो क्या होगा, यानी हस्वे के बाद में हस्वे आएगा सवर तो भी इनका होगा दीर्घ सवर, यानी ये तो हस्व ए है ये दीर्घ ए है, यानी जिसको हम आ बोलते हैं, हस्व के बाद में हस्व आएगा तो भी दीर्घ होगा, और यदि हस्व के बाद में दीर्घ आएगा तो भी क्या बनेगा दीर्घ सवरी बनेगा। हस्व के बाद में हस्व आएगा तो भी दीर्घ, और हस्व के बाद में दीर्घ आएगा तो भी दीर्घ। यदि पहले दीर्घ आता है दीर्घ सवर, जैसे आ गया और बाद में ए आता है, तो भी इसका क्या बनेगा दीर्घ सवर ही बनेगा। यदि दोनों तरफ दीर्घ सवर है, आ के बाद में आ है, तो भी क्या बनेगा आ बनेगा, अर्थात दीर्घ सवरी बनेगा। ये मैंने ए का बताया, इसी प्रकार हस्व ई और दीर्घ ई में भी हस्व ई के बाद दीर्घ ई आती है तो भी दीर्घ ई बनेगा, या हस्व ई के बाद हस्व ई आएगी तो भी दीर्घ बनेगा, या दीर्घ के बाद दीर्घ आएगी तो भी दीर्घ ई बनेगा। इसी प्रकार ऊ, इसी प्रकार री और ली के उदाहरण होते हैं। तो इसमें परिभाषा क्या है, चाहे हस्वे या दीर्घ सवर के बाद में वापिस हस्वे या दीर्घ सवर आते हैं तो अपने ही से वर्णीय, यानी अपने ही वर्ग का दीर्घ हो जाता है। अपना ही वर्ग क्या है इनका, से वर्णीय वर्गों का, ए और आ का। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, ए प्लस ए का उदाहरण है, भाव प्लस अर्थ। अब देखिए आप भाव वे के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, और अर्थ ए में भी ए है, तो ए और ए यानी ए प्लस ए बराबर क्या होगा आ होगा। तो अब देखो
वा और वे में से हमने क्या हटा दिया था, ए हटाया तो वे क्या हो गया, अधूरा हो गया, हलंत लगा दी। अब ये ए और ये ए मिलके क्या बना है यहां पर, आ। तो वे के अंदर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो गया, वा रे थे, क्या हो गया, भाव अर्थ, यानी भावार्थ, भाव और अर्थ का हो गया भावार्थ। इसी प्रकार से हम यदि अन्य कोई ए प्लस आ का देखें तो वो भी देख सकते हैं, उदाहरण ए पुस्तक प्लस आ आले, पुस्तक के अंदर ए की मात्रा है, आले आ है, ए के बाद में आ आएगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा, तो क्या हो गया, पुस्ते के में से ए हट गया तो ए अधूरा हो गया था, हलंत है, और ये ए और ये आ दोनों मिलके किसकी मात्रा जोड़ देंगे, का, और पीछे सेंस क्या रह गया, ले, पुस्तक का ले, आ प्लस ए, आ प्लस ए में विद्या प्लस अर्थी। अब विद्या में दा के अंदर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, आ के बाद में किसकी मात्रा आई है, ए की मात्रा, आ के बाद में यदि ए आएगा तो भी क्या बनेगा, आ, तो क्या हो जाएगा, वी आ हटाया तो दे और ये अधूरा हो गया, और ये आ और ए मिलके किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, आ की, विद्या और रथी पीछे जुड़ जाएगा, तो हो गया विद्यार्थी। अन्य उदाहरण देखें, इसी प्रकार से हमें ए आ के अलावा जितने उदाहरण है, ई के, ऊ के, री के, लरी के, इन सभी के उदाहरणों को आपको इसी प्रकार से करना है। आ का एक उदाहरण और देख लो, विद्या आ गया है प्लस आले, तो हो गया है, क्या हो गया, विद्या लय। ये ध्या कहां से बना है, तो आ के बाद में आ आया तो भी आ ही रह गया, तो विद्यालय। ये सिर्फ एक 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 उदाहरण है, इसी प्रकार से आप जितने उदाहरण ई के बना सकते हो, कवि प्लस इंदर, सती प्लस ईस, सतीश, जितने आप बना सकते हो, ऊ के बनाने हैं, री के बनाने और लरी के उदाहरण बनाने हैं। ये उदाहरण आप अपनी बुक से कहीं से भी निकाल सकते हो, याद, ये सिर्फ नियम याद रखना है, जैसे हमने अपनी कक्षा में पहले भी एक बार इसको पढ़ चुके हैं। तो ये है दीर्घ स्वर संधि, हस्वे या दीर्घ स्वर के बाद में भी यदि हस्वे और दीर्घ स्वर आता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है। तो हमने सिर्फ ए और आ के पढ़े हैं, इसी प्रकार से आपको ई के क्या होगा, दीर्घी, इसी प्रकार ई के कंटिन्यू, ऊ के कंटिन्यू आपको बनाने हैं। यह है दीर्घ संधि। अब ए आ के बाद में ए आए, ये याद रखना है कि वही वर्ण आना चाहिए, से वर्णीय, यानी ए आ के बाद में ए आ ही आना चाहिए, ई ई के बाद में ई ई ही आना चाहिए, ऊ ऊ के बाद में ऊ ऊ, उसी के जाति का जिसे से वर्ण वर्णीय स्वर कहते हैं वही आने चाहिए। और इनमें कोई हमारे पास में दीर्घ स्वर संधि के जितने उदाहरण हैं वो टोटल हमको तैयार करने हैं कि कौन से में, अगर आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट लगे कि ये उदाहरण दीर्घ स्वर संधि का है, ये इसके अनुसार नहीं हो रहा है, तो आप पुनः संपर्क कर सकते हैं। और इससे आगे दीर्घ के बाद में हमने पढ़ा था गुण, तो मैं इसी के अंदर गुण को भी कर देता हूँ। गुण संधि में क्या था, ए आ के बाद में क्या आना चाहिए, ई ऊ री लरी, जो हमने तीन भाग में मैं बांटा था उसको, तो ए आ के बाद में क्या, ई ऊ री लरी, यानी ए आ के बाद में, ए या आ के बाद में ई
उ री लरी आए तो ई उ रिलरी के स्थान पर, इनके स्थान पर ई उ री लरी ई उ री लरी के स्थान पर क्रम से क्या हो जाएगा ए ओ और अल, यानी दोनों मैं आपको देखो शॉर्ट तरीके से बताता हूं, दोनों ई उ री लरी ये कब ए या आ के बाद में, ए और आ, इन ए और आ के बाद में यदि इनमें से ए आ के बाद में ई ई आएगा तो हो जाएगा ए, उ आएगा तो इसका हो जाएगा ओ, और री आएगा तो हो जाएगा अर, रे अधूरा होगा हलंत याद रखना, और लरी आएगा तो अल, ले अधूरा होगा। ए आ के बाद में यदि ई उ री लरी आता है तो ई उ री लरी के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। यह है गुण संधि। हाँ, तो अब देखते हैं जो गुण संधि के उदाहरण हैं उनको। गुण संधि में उदाहरण जो हमने देखे थे किसके बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ रहा था, ई उ री लरी, तो इन दोनों ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, इसके साथ में जुड़ करके उ का हो रहा था ओ, री का हो रहा था अर, और लरी का हो रहा था अल। ई उ री लरी के स्थान पर ए ओ अर अल होता है। यदि हम ए का उदाहरण देखें तो ए या आ के बाद में ई आता है तो ए हो जाता है। जैसे नर प्लस इंद्र, नर रे के अंदर एक ही मात्रा है, आगे इंद्र में ई, ए के बाद में यदि ई आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, तो ये ए और ई दोनों मिलकर क्या हो गया ए, तो ये क्या बन गया ने, रे में से ए हट करके और ये ई जुड़ करके किसकी मात्रा जुड़ जाएगी ए की, तो रे में किसकी मात्रा जुड़ गई ए की, तो हो गया नरे, और पीछे क्या बच गया नंद्रे, तो क्या हो गया नरेंद्र। इसी प्रकार से यदि ए के बाद में दीर्घी यानी देव प्लस ईस, देव प्लस ईस तो हो जाएगा दे, ए के बाद में हस्वे या दीर्घ कोई भी ई आए तो बनेगा क्या ए, तो ए और ई मिलके ए की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो गया वे और से, देवेश। इसी प्रकार से यदि आ की लें तो आ में भी हम कर सकते हैं
महा पलसे इंद्र, महा प्लस इंद्र, आ के बाद में ई आया है, ए के बाद में आए या ई, ए या आ दोनों में से किसी के बाद में भी यदि ई आती है तो ये जुड़ करके किसकी मात्रा बनेगी, ए की। तो आ के बाद में यहां पर उदाहरण में ई बताया है तो आ और ई दोनों मिलके ए की मात्रा लग जाएगी। तो मेह और नंद्र जो शेष रह गया था वो महेंद्र, महाप्लसे ईस भगवान, ईस का अर्थ महा यानी महान, महाप्लस ईस, आ के बाद ए समान स्वर ई, तो मे और हे के अंदर किसकी मात्रा जुड़ जाएगी, ए की मात्रा और से, तो क्या नाम हो गया, महेश। महान है ईस, ईस का अर्थ भगवान, महान है जो भगवान, महेश अर्थात शिव। तो ये तो शब्दों के अर्थ है। इसी प्रकार से हम ऊ का उदाहरण लें या री का लें या लरी का उदाहरण लें तो बनने वाले क्या है, याद यही रखना है कि ए या आ के बाद में यदि ई ऊ री और लरी आता है तो ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर और लरी के स्थान पर अल हो जाता है। यह है गुण संधि के उदाहरण। अभी हमने जो दीर्घ स्वर संधि का दीर्घ भाग पढ़ा है, गुण पढ़ा है, यानी ए आ के बाद ए आए तब तो हमने दीर्घ में पढ़ा, और ए आ के बाद में ई उ री लरी आए तो गुण पढ़ लिया। अब ए आ के बाद में क्या आएगा, ए आई ओ औ। तो मैं इस पार्ट को इस साइड में देखो यहां से लिख रहा हूं, यदि ए या आ के बाद में क्या आता है, आगे वाला टोप ए आई ओ औ आए तो क्रम से ए आई, जो दोनों है ए आई, ए आई का आई तथा ओ औ का औ हो जाता है। ए या आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो ए आई का आई और ओ औ का औ हो जाता है। ए और आ के बाद में क्या आता है, ए आई, तो ये जुड़ करके क्या हो गया, बनेगा क्या, आई। और यदि ए आ के बाद में ओ और औ आता है तो ये दोनों आ, ए या आ ओ औ के साथ में जुड़ करके क्या बनेगा, ओ औ। तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान यही है कि अगर कहीं पर शब्द होता है और उसके ऊपर आपको दो मात्राएं दिखाई दे, यानी आई और औ की मात्राएं दिखाई दे तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं हम, अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव। अब देखो त्रय के अंदर किसकी मात्रा है, अत्र यानी यहां और एव यानी ही। अत्र ए के बाद में ए आया है तो ये ए के बाद में ए आया है तो क्या बन गया, ए और ये ए और ए बन करके क्या हो गया, आई की मात्रा जुड़ जाएगी। तो क्या हो गया, ए और त्रय के अंदर किसकी मात्रा जुड़ गई, आई की, और शेष क्या हो गया, वे, अत्र एव, यही। अत्र यानी यहां, एव यानी ही, यहां ही यानी यही, ये साथ में बोला जाएगा, अत्र एव यानी यही। अब आप इसी प्रकार से एक आ के बाद में सदा प्लस एव, सदा का अर्थ होता है हमेशा, एव यानी ही, आ के बाद में ए आए, एक ए या आई कोई भी आए तो ए के उदाहरण आ गया, आ के आएगा तो भी आई होगा, तो से और दे के अंदर किसकी मात्रा लग जाएगी, आई की, और पीछे क्या हो गया, वे, सदैव यानी हमेशा ही, सदा यानी हमेशा, एव यानी ही, आई वे शब्द है एव, सदा ही, हमेशा ही, और सदैव का अर्थ होगा हमेशा ही,
दोनों को साथ में बोला जाएगा जैसे तत्रयोग का बोला था। इसी प्रकार उ के उदाहरण देख सकते हैं हम, ए आ के बाद में यदि ओ औ आए तो ओ औ का क्या हो गया, औ हो जाता है दोनों मिलकर के। यह है वर्दी संधि जो हमने ए आ के बाद में तीन बार, ए आ के बाद में ए आ यानी दीर्घ स्वर संधि, ए आ के बाद में ई उ ऋ लृ यानी गुण संधि, ए आ के बाद में ए ऐ ओ औ वर्दी संधि। अब लेते हैं हम देखो इसके बाद में यहां से बाकी के उदाहरण आपको देखने हैं, जितने उदाहरण अगर कोई उदाहरण किसी प्रकार का और आपके इस रूल के अनुसार वो मैच नहीं करता है तो आप निस्संकोच संपर्क कर सकते हैं। अब देखो ये बीच वाला पार्ट लेंगे जो दो नंबर पार्ट हमने बनाया था ई उ ऋ लृ, इसमें होगी यन संधि ई उ ऋ लृ के बाद में यानी ई उ ऋ लृ के बाद में कोई एसमान स्वर आए, ई उ ऋ लृ के बाद में कोई भी एसमान स्वर आए तो ई उ ऋ लृ के स्थान पर आए तो ई उ ऋ लृ के स्थान पर कर्म से, कर्म से क्या हो जाएगा जो मैंने वर्ण विचार में बताया था ये वे रे ले, ये अधूरा होगा ध्यान रखना, वे अधूरा रे अधूरा और ले भी अधूरा, ये वे रे ले, ये किसका होगा ई का, वे किसका होगा ऊ का, रे किसका होगा रि का और ले किसका होगा लरी का। लरी का एक ही उदाहरण है तव प्लस लकार का, याद रख लेना टेंथ कक्षा तक। अब देखो ई उ ऋ लृ के बाद में कोई भी एसमान स्वर आए तो ई उ ऋ लृ के स्थान पर क्रम से ये वे रे ले हो जाता है। अब देख लीजिए आप उदाहरण के तौर पर जैसे प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम ते के अंदर किसकी मात्रा है ई की मात्रा है, ई के बाद में क्या आ गया है एसमान स्वर, तो ई के बाद में यदि एसमान स्वर आता है तो ई का क्या बनता है ये बनता है। तो देखो पे रे और ती में से ई हटाया तो ते क्या हो गया अधूरा और ई का क्या बन गया ये भी क्या बना था अधूरा, लेकिन आगे वाला स्वर जुड़ जाएगा जो ए समान स्वर आएगा ना उसकी मात्रा जुड़ जाएगी तो यहां पर क्या है ए, तो प्रत्येकम शब्द हो गया है प्रत्येकम यानी ई का क्या बना है ये। इसी प्रकार से आप ऊ का उदाहरण ले सकते हैं, ई का हुआ है तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय तो इसमें देखो एक सॉरी ये गुण संधि का उदाहरण लिख दिया मैंने, भानु प्लस अपि उ के बाद में ए समान स्वर आया है ए आया है तो उ का क्या होगा वे, तो क्या हो गया भा और नु में से उ हटाएंगे तो ने क्या हो गया आधा अधूरा और उ का ओ क्या बन गया वे भी क्या है अधूरा है, लेकिन ए जुड़ा तो वे क्या हो गया पूरा और आगे क्या हो गया पी, बानवे पी, भानु का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य अपि यानी भी सूर्य भी। तो इसी प्रकार से हमें ई उ ऋ, ऋ के बाद में ए समान स्वर आए तो देखो पितृ प्लस आदेश,
पित्रे, पिताजी आदेश। री के बाद में ए समान स्वर आया तो री का क्या बनता है? रे। तो पी और त्री में से री निकालेंगे तो ते क्या रह गया? आधा। और री का क्या बनता है? रे आधा। अब आधा रे और आधा ते, मैंने संयुक्त वर्ण बताए थे अक्षय तरे और गे, तो ते और रे मिलकर क्या हो गया? तरे। तो ते और रे दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं? आधा तरे। तरे के अंदर आगे ए समान स्वर की मात्रा जुड़ेगी यानी आ है, तो आ देश, पित्रा आदेश, पिताजी का आदेश। इसी प्रकार से लरी प्लस आकृति, लरी के बाद ए समान स्वर आए तो लरी प्लस आकृति, लरी के बाद ए समान स्वर आए तो लरी का क्या हो जाएगा? ले। ले कौन सा होगा? आधा, या आधा ले था, आधे के अंदर आ की मात्रा जुड़ी तो क्या हो गया? ला करती। लरी प्लस आकृति बराबर ला करती। इनके मैंने एक एक उदाहरण बताए हैं, आप जितने चाहें मौखिक लिए याद नहीं रहते हैं, जितने भी उदाहरण है आप इनकी रूल की सहायता से कर सकते हैं। ई उ री लरी के बाद में कोई भी ए समान स्वर आए तो ई उ री लरी के स्थान पर ए ओ आर एल हो जाता है। अब देख लीजिए एक बार हम फिर से, मैं आपको मौखिक लिए बता देता हूं, आज हमने पढ़े हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। दीर्घ संधि हस्वे या दीर्घ स्वर, ये हमने कल बताए थे हस्व स्वर और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हस्व स्वर पांच और दीर्घ आठ होते हैं वो, और वो भी योजक के रूप में होने चाहिए। ए आ अपने सेवर्णीय है, ई ई उ और री री, लरी सिंगल है, तो ये अपने ए आ के बाद में ए आ आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ई ई आ गया, ए आ के बाद में ई आ गया तो गुण संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि का नियम है हस्वे या दीर्घ स्वर के बाद में हस्वे या दीर्घ स्वर वापिस आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर हो जाता है, वो होती है दीर्घ संधि, चाहे ए आ के बाद में ए आ आए या ई ई के बाद में ई ई आए। इसी प्रकार से ए आ के बाद में यदि ई उ री लरी आता है तो ई उ री लरी के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है, यह है गुण संधि। और ए आ के बाद में यदि ए आई ओ औ आता है तो ए आई का आई और ओ औ का औ हो जाता है, यह है वर्दी संधि। वर्दी संधि में दो मात्राएं होती है शब्द के, वो आपको पहचान करनी है हमेशा, क्योंकि ये परिभाषा कहीं पर नहीं पूछी जाएगी दसवीं कक्षा तक, या तो उदाहरण का संधि आपको प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? आद्योलिखित शब्देशीय संधिकृत और संदेशीय नामापी लिखे थे, संधि करके संधि का नाम लिखना है या संधि युक्त करके संधि का नाम लिखना है, अलग अलग विच्छेद किए हुए शब्द मिलेंगे तो उनको आपको युक्त करके संधि का नाम लिखना होता है। तो आपको उदाहरण देखने, उदाहरण को सोल्व करने के लिए हमें ये रूल याद रखने होते हैं, जबकि परिभाषा कहीं पर नहीं पूछी जाएगी। तो ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो वर्दी संधि है, और शब्द की हम पहचान कर लेंगे, जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगी होगी आई और औ की मात्रा होगी तो वर्दी संधि होगी। उसके बाद में हम बीच वाला भाग लिया, ई उ री लरी के बाद में कोई भी ए समान स्वर आए, इधर उधर वाला ए आए चाहे ए आई आए या ई के बाद में ऊ क्यों ना आए, तो वहां पर ई उ री लरी के स्थान पर यण संधि हो जाती है, यानी ये वे रे ले हो जाता है, यानी ई का ये ऊ का वे री का रे और लरी का ले हो जाता है। अब इसके बाद में आज तक यण संधि पढ़े, अब मुख्य रूप रह जाएगा ए आई ओ औ, यानी ए आई ओ औ के बाद में कोई भी ए समान स्वर आएगा तो ए आई ओ औ का क्रम से क्या होगा? क्रम से बोल रहा हूं ए आई औ औ, यानी ए का क्या होगा? ए ये अधूरा रहेगा, हलंत लगेगी। आई का क्या होगा? आई। ओ का क्या होगा? औ। औ का क्या होगा? आओ। तो ये होगी, हम कल पढ़ेंगे अयादि संधि, आई आई औ आओ, मुख्य रूप से ये है। आज हमने तीन संधियां पढ़ी है तो हमें सिर्फ एक बार रूल पढ़ लिए हैं, देख लिए रूल को, अब रूल के हिसाब से हमें उदाहरण कक्षा 10 तक हमें क्या करना है, जितने उदाहरण हमें सोल्व करेंगे, अगर उदाहरण में ये रूल फिट नहीं बैठता है तब हम आप संपर्क कर सकते हैं, और बाकी का इस रूल के हिसाब से पूरे के पूरे उदाहरण सोल्व होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उदाहरण ही आते हैं संधि के, तो दो प्रकार के संधि है। आज के लिए बस इतना ही, तीन संधियां हुई है, प्रिपरेशन करना है आपको,
दोनों जो पीछे पड़े हैं उनकी संधियों की स्वरों की ये आपकी पहचान है। बाद में आप आगे की चीजें बिना संधि के आप सोल्व नहीं कर पाओगे, एक साथ में पढ़ नहीं पाओगे उनको, एक साथ में बोल नहीं पाओगे। इसको आप तत्रेव बोलोगे संस्कृत में, इसको अगर बोलना है तो इसको बोलना है अत्रेव, अत्रेव नहीं बोलना है, एक साथ अलग अलग करके बोलना है, विच्छेद करके बोलना है, विग्रह करके बोलना है।